गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर आई कम विद योर हिस्ट्री चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट टू। इन आवर फर्स्ट वीडियो आई स्टार्ट अ स्टोरी ऑफ किंग लुई 16, हु वाज वेरी डिस्पोट एंड एब्सोल्यूट किंग, हु मैरिड विद ए बैड एडवाइजर एंड Austrian princess Marie Antoinette. When Louis XVI became the king of France, he found the treasury empty. But he planned to do something to fill his treasures, and there was only one option, that is to increase the taxes. बट हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में जो टैक्स होता है वो केवल थर्ड स्टेट देती है। इस बात से थर्ड स्टेट बहुत गुस्सा हो जाती है। बट लुई 16 को टैक्स तो बढ़ाना था। देन फ्रांस में एक ओल्ड ट्रेडिशन था दैट मोनार्क don't have the power to increase the taxes alone. So, he had to call a meeting of state general. State general वहाँ की एक political body होती थी, जिसके अंदर तीनों state अपने अपने representatives भेजते थे। केवल monarch उनकी meeting कब बुलानी है ये decide कर सकता था, लेकिन वहाँ पर जो decision लिया जाएगा वो मोनार्क अकेला नहीं ले सकता था। इस नेशनल असेंबली की जो लास्ट मीटिंग है वो 1614 में हुई थी। अब स्टेट जनरल क्या है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इट वॉज द टाइप्स ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन एंड दे रेयरली मैट टू डिसाइड द टॉपिक्स एंड टू डिस्कस ऑन दैट। लेकिन वहाँ पर एक रूल भी फॉलो होता था कि वन वॉट फॉर वन स्टेट, इट मीन्स थर्ड थ्री स्टेट इक्वल टू थ्री वोट्स। बट थर्ड स्टेट को हमेशा से ही आउट वोटेड कर दिया जाता था, वो चाहे डिसीजन के फेवर में हो या अगेंस्ट में, बट उनके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। अब किंग लुई 16 टैक्स को इंक्रीज करने के लिए 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है। बट ये क्या, आर्टिसंस, पीजेंट्स एंड वुमेंस वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द असेंबली हॉल, बट दे हैव सम डिमांड्स रिटन ऑन लेटर्स एंड सेंट with their representatives about 40,000 letters. Meeting of state general जब होती है तो तीनों स्टेट के representatives वहाँ पर आते हैं। First state के 300 representatives आते हैं और second state से third state 300 members आते हैं और third state से 600। जब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वोटिंग करती थी तो उनके वोट दो हो जाते थे। इट मीन्स मेजॉरिटी हमेशा फर्स्ट और सेकंड स्टेट के साथ होती थी, इसलिए थर्ड स्टेट को आउट वोटेड कर दिया जाता था। इस बार जब मीटिंग हुई तो फर्स्ट स्टेट और स्टेट सेकंड स्टेट आमने सामने एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठते हैं। बट ये क्या, थर्ड स्टेट के लिए कोई सीटिंग अरेंजमेंट ही नहीं था। उन्हें फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पीछे खड़ा होना पड़ा। उसके बाद बट लुई 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इट मीन्स फर्स्ट स्टेट
सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों एक एक वोट देंगी। बट इस टाइम मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल वेयर एवरी मेंबर वुड हैव वन वोट। अगर इस तरह से देखा जाए तो दोनों वन पर्सन यानी 300 वोट्स इनके साथ और 300 इनके साथ, जिसकी वजह से, और 600 अकेले थर्ड स्टेट की, तो मेजॉरिटी थर्ड स्टेट के साथ होती। बट दिस प्रिंसिपल वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, बट किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। व्हेन किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट प्रोटेस्टेड एंड वॉकड आउट। They considered themselves as the spokesman for the entire French Revolution. जिस राइट की बात थर्ड स्टेट ने की थी वो जीन जैकस रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में भी डिफाइन करी है। Now, the members of the third state assembled on 20th June 1789. In hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles, और अपने आप को National Assembly declare कर देते हैं। वो ये भी शपथ लेते हैं कि वो जब तक इस assembly को withdraw या disperse नहीं करेंगे, जब तक वो अपना constitution form ना कर लें। और constitution भी कैसा, जिसमें monarch की power को कम कर दिया जाएगा। और ये इसे लीड किया था एबेसियास एंड मिराबियो ने। इवन एबेसियास ने तो एक पैम्फलेट में लिखा था, जिसमें एक लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। इसमें इन्होंने कहा कि जो थर्ड स्टेट है वो केवल पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट ग्रुप नहीं है, जबकि वो सब कुछ है। थर्ड स्टेट इज एवरीथिंग। और पॉलिटिकल ऑर्डर क्या होता है, वो कुछ भी नहीं होता। इसलिए इस एवरीथिंग के लिए हमें समथिंग तो करना ही पड़ेगा। इवन जो मिराबियो थे तो खुद एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन ये चाहते थे कि जो फ्यूडल सिस्टम है वो ख़त्म हो जाना चाहिए और जो बर्थ बेसिस प्रिविलेजेस हैं वो भी ख़त्म हो जानी चाहिए। मिराबियो वॉज अ वेरी गुड स्पीकर। ही डिलीवर्ड वेरी पावरफुल स्पीचेज ऑन क्राउड असेंबल्ड एट वर्सेल्स। व्हेन नेशनल असेंबली ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस फेस्ड अनदर प्रॉब्लम एंड दैट इज, उस समय फ्रांस में स्वियर विंटर का सीजन चल रहा था, जिसकी वजह से जो क्रॉप है वो पूरे तरीके से ख़राब हो गई और ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज हो गई। बेकर्स स्टार्टेड एक्सप्लॉइट द सिचुएशन एंड रिड्यूस्ड द सप्लाईज ऑफ गुड्स। जो बेकर्स थे उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहा और सप्लाईज, जो ब्रेड की सप्लाई थी, उसे कम कर दिया। वुमेंस को घंटों घंटों लंबी क्यूज में बेकर शॉप्स पे खड़ा रहना पड़ता था, जिससे वुमेंस को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बेकरी शॉप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। तब किंग ने ऑर्डर दिया ट्रूप्स को, आर्मी को, दैट He had to move into Paris, into the city. And 14th July 1789, crowd ने को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बास्तिल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे ये तो वही डेट है जो हमने चैप्टर शुरू किया था, तब पढ़ी थी। यानी कि ये यही सिचुएशन है। आपने इस स्टोरी में अब जान लिया है 14th July 1789 की मॉर्निंग पेरिस में अलार्म क्यों था, क्योंकि
इतनी सारी सिचुएशंस एक साथ हो रही थी। अब हम स्टोरी में वहीं पर आ गए हैं जहां जब हमने स्टोरी शुरू की थी, यानी हमारा फ्लैशबैक हमें प्रेजेंट में ले आया है। आफ्टर दैट कंट्री साइड्स में ये रूमर हो गए कि जो प्रॉपर्टी के मालिक्स हैं उन्होंने कुछ बैंड्स ऑफ ब्रिगेड यानी कि गुंडे हायर किए हैं जो उनकी पकी हुई फसल को ख़राब करने आ रहे हैं। ये सोचकर इस डर से जो पीजेंट्स थे उन्होंने नोबल बैंड के जो महल थे जिसे चैटॉक्स कहा जाता था उन पर हमला स्टार्ट कर दिया और जितना भी फूड ग्रेन्स उन्होंने अपने काशल में छुपा के रखा था सारा लूट लिया और उन डॉक्यूमेंट्स को भी जला दिया जिनके अंदर उनके मेमोरियल ड्यूज लिखे हुए थे। इन कंट्रीसाइड रूमर्स और पीजेंट्स का अटैक, ऊपर से थर्ड स्टेट का प्रेशर, तो किंग लुई 16 को 4 अगस्त 1789 में उस नेशनल असेंबली को स्वीकार करना पड़ा जिसमें उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी पावर अब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तय की जाएंगी, यानी कि किंग की जो पावर्स थी उनको लिमिटेड कर दिया गया। और 4 अगस्त 1789 की रात को ही जैसे ही किंग ने असेंबली को एक्सेप्ट किया उन्होंने कुछ नियम बना दिए और नाइट में ही उनको अनाउंस कर दिया जिसमें उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। उसके साथ साथ क्लर्जीज जितने भी प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे थे उनसे वो सब वापस ले ली। टाइथेस को भी ख़त्म कर दिया गया। टाइथेस एक रिलीजियस टैक्स था जो चर्चेस थर्ड स्टेट से लेते थे और जितनी भी लैंड के ऊपर चर्चेस ने का कंट्रोल था वो सारी गवर्नमेंट ने यानी कि नेशनल असेंबली ने अपने कब्जे में ले ली। और इस तरह से गवर्नमेंट को पूरा 2 बिलियन लिवरे का फ़ायदा हुआ। दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज वीडियो। स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, स्टोरी में अभी बहुत कुछ बाकी है। अरे क्या किंग लुई 16 पावर को लिमिटेड करने से खुश हो गया? नहीं, ये देखने के लिए यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो। थैंक यू।